हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशन भी अभी इतने ऊपर है कि हम लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि अभी हमें एक म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट करना चाहिए और वो म्यूचुअल फ़ंड में आने वाले 5 साल से 6 साल तक या 10 साल तक हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने मन में यही आता है कि भाई हम कौन से म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पस को पहले आप आपके गोल के साथ डिसाइड करिए। कभी भी अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने आते हो तो पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए। गोल जैसे कि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो आपके रिटायरमेंट के लिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ड्रीम हाउस के लिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने फॉरेन टूर के लिए, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए, और भी चाइल्ड मैरिज के लिए, या ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पर्पस होते हैं जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। तो पहले तो आपको आपके गोल को देखना चाहिए। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है हाल फिलहाल, तो आपको एक चीज़ डिसाइड करनी चाहिए कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पर मैं कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करूँगा। और म्यूचुअल फंड में अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो एट दिस लेवल, तो मेरे हिसाब से आपको 5 से 10 साल तक का टाइम होराइजन रख के ही आना चाहिए। आपको वही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आने वाले 10 साल तक या 5 साल तक आपको वो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी अपने इंडिया में जितने भी टाइप्स ऑफ यू कैन से म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, उसमें से मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो आता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड बेसिकली इक्विटी इक्विटीज़ में ही इन्वेस्ट करता है। ये फंड्स के सारे पैसे प्रॉपरली और एलोकेट होते हैं, तो सब इक्विटी सेक्टर में ही एलोकेट होते हैं। दूसरा होता है डेफ फंड। डेफ फंड मतलब ये होता है कि भाई वो कोई डिबेंचर ले लिया, बॉन्ड ले लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली, तो ये डेफ फंड भी एक टाइप का फंड होता है। उसके बाद आता है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। इट इज़ रिलेटेड लाइक बैंक टू बैंक अपने ट्रांजेक्शन करती है, जो लिक्विड फंड हमें जिसे कहते हैं उसे हम लोग मनी मार्केट फंड भी कह सकते हैं। इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड वो होता है अगर कोई फंड है जो इंडेक्स को कॉपी कर रहा है। अगर समझो निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक्स है, वही 50 स्टॉक्स वो भी फंड ले लेगा और वो सेम परफॉर्मेंस देगा जो इंडेक्स देगा। दूसरा आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड बहुत ही सेफ होता है, आजकल बहुत ही पॉपुलर आ रहा है बैलेंस फंड, बिकॉज इसका अलोकेशन भी ऐसा होता है 65-35। 65 ये इन्वेस्ट करता है इक्विटी में, 35 ये इन्वेस्ट करता है डेफ फंड में। तो आप में इसमें रिटर्न भी आपको सेफ मिलेगा और आपका रिस्क भी बहुत कम रहेगा। उसके बाद आता है इनकम फंड, फिर आता है फंड ऑफ फंड, उसके बाद आता है एक स्पेशलिटी फंड। अभी आज मैं जिस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास कनेक्ट हुआ हूँ आपसे वीडियो बनाने के लिए, मैंने देखा है, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू स्पेशलिटी फंड। अभी स्पेशलिटी फंड होता क्या है, उसके अंदर एक टाइप आता है सेक्टर फंड। अभी सेक्टर फंड ये होता है, देर आर फंड ऑफ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, देर आर फंड दैट इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द मार्केट। एग्जाम्पल, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो वो इन्वेस्टमेंट वही करेगा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो गया हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज होती है वो। अभी ये रिटर्न्स, इसके परफॉर्मेंस और रिटर्न्स सेक्टर के रिलेटेड टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो सेक्टर परफॉर्म करेगा तो ये भी फंड परफॉर्म करेगा। अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है ड्यू टू एनी रीज़न, नेचर का हो गया या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी का हो गया, तो ये फंड भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो अभी सेक्टर फंड के अंदर देखो, अभी ऐसा है कि आप लोग बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, हमारे पास फार्मा सेक्टर है, हमारे पास स्टील सेक्टर है, हमारे पास एफएमसीजी सेक्टर सेक्टर है, तो अभी हमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए आने वाले 5 से 10 सालों के लिए फार्मा इंडेक्स में। ये देखिए, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो चार्ट है ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है, मतलब ये एक कोई स्टॉक का चार्ट नहीं है, ये फार्मा इंडेक्स का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो तो 2015 में फार्मा इंडेक्स का टॉप था 14,000 का, और 14,000 से 2015 से जो ये गिरा है ऑलमोस्ट 8,000 तक आ गया था। 8,000 पे आने के बाद अगर आप लोग ये कैलकुलेट करें तो 14,000 से 8,000, मतलब ऑलमोस्ट ये जो इंडेक्स है वो ऊपर से नीचे तक पूरी आधी हो चुकी थी। मतलब इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हो गए वो भी बहुत गिर चुके होंगे। और अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखते हैं
तो अभी इसने रिसेंटली अभी इसने टॉप बनाया है ऑलमोस्ट 10,650 का। तो यहाँ पे जो एक पैटर्न क्रिएट हुई थी, जो एक डाओ थियरी के पैटर्न होती है, हायर लो लोअर लोस, तो ये एक चैनल बन गया था जो चैनल कभी ब्रेक ही नहीं कर रहा था 2015 के बाद से लेके अभी 2018 तक। अभी 2018 भी ख़त्म होने आया है, बट रिसेंटली यहाँ पे ये चैनल सेक्टर ने ब्रेक किया है और यहाँ से ब्रेक करके अभी ये एक अच्छे लेवल पे आ गया है। जो इसने रिसेंटली जो अपना उसका जो हायर एक लो था उसको भी ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे रीटेस्ट करके ये प्रॉपरली अभी ये कंजप्शन सेक्टर में आ गया है। तो अभी हम लोग अगर ये देखेंगे तो मैं इसमें एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि अभी इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 12,399। उसके बाद उसके जो फाइनल टारगेट होगा वो मेरा रहेगा 14,000। तो अगर यहाँ से फार्मा इंडेक्स जो अभी 10,600 पे ट्रेड कर रही है, अगर वो 14,000 हो जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि फार्मा के स्टॉक्स भी चलेंगे? ऑब्वियसली जब भी फार्मा के स्टॉक्स चलेंगे तभी फार्मा इंडेक्स चलेगा। इसका मतलब अभी यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि अभी फार्मा इंडेक्स है जो अभी हम लोग बाय कर सकते हैं आने वाले 5-10 सालों के लिए। पर अभी अगर हम लोग फार्मा इंडेक्स की बात करेंगे तो फार्मा इंडेक्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स के स्टॉक्स हैं, जैसे सन फार्मा हो गया, औरबिंदो फार्मा हो गया, बायोकॉन हो गया, डॉक्टर रेड्डी है, लुपिन है, कैडिला है, अजंता, पिरामल, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। अभी यहाँ पे तो मैंने बहुत ही कम स्टॉक्स डाले हैं, मिड कैप सेक्टर में भी बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स होते हैं। तो अभी एज अ इंडिविजुअल हमें कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें मल्टीपल रिटर्न दे सके, मल्टी बैगर जिसे हम लोग बोलते हैं? तो हम एज अ इंडिविजुअल ये रिसर्च करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो हमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए जो फार्मा स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हो, जो सिर्फ फार्मा सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करते हो। तो अभी वो टाइप के म्यूचुअल फंड अगर हम हमारे म्यूचुअल फंड में देखें तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है एक रिलायंस फार्मा का। तो अभी ये रिलायंस फार्मा फंड है, उसमें आपको मैं थोड़ी बहुत उसकी डिटेलिंग बता देता हूँ। इसका जो अभी एनएवी चल रहा है, जो 14 सितंबर की क्लोजिंग एनएवी थी, दैट वाज 164.89। यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली 164.89। और ये फंड लॉन्च हुआ था जून 2004 में और इसे मैनेज करते हैं शैलेश राजभान। ठीक है, अभी इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो मिनिमम 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसका जो बेंचमार्क है वो S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स के साथ होता है और ओवरऑल ये फ़ंड ने अभी तक अच्छा ही परफॉर्म किया है। और उसके बाद जो दूसरा एक फ़ंड आता है जिसे हम एक ऑप्शन समझ सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फ़ंड। अभी ये फ़ंड की जो NAV थी 14 तारीख की क्लोजिंग की, दैट वॉज 133.80। अभी ये फ़ंड में भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से कर सकते हो। ये फ़ंड शुरू हुआ था 1999 में, इसे मैनेज करते हैं मिस्टर तन्मय देसाई। तो ये सारे फंड्स की डिटेल है। अभी एक तो है अपने पास रिलायंस फार्मा फंड, दूसरा है एक SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। अभी आप मुझे बोलोगे कि सर जी हम ये दोनों फंड में से कौन से फंड में इन्वेस्ट करें? तो अगर हम लोग दोनों फंड्स को कंपेयर करेंगे वाया स्टॉक वाइज, तो ये जो है ये साइड आप देख रहे हो ये है रिलायंस फार्मा फंड की स्टॉक होल्डिंग, और ये साइड अगर आप देख रहे हो तो ये साइड है टू योर राइट साइड ऑल द डिटेल्स ऑफ SBI हेल्थ केयर। तो अभी अगर आप इसमें एक चीज़ देखोगे तो इसमें दोनों में सबसे टॉप पे सन फार्मा में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, दोनों फंड ने ही सन फार्मा में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। तो मेरे तरफ से आप एक हिंट भी समझ सकते हो कि सन फार्मा इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ। और उसके बाद आप देख सकते हो जैसे उन्होंने स्टॉक वाइज और परसेंटेज वाइज उनकी एलोकेशन यहाँ पे दिखाई हुई है। तो अपने इंडिया में क्या है ना, अपने इंडिया में बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स नहीं है, तो ये फार्मा अगर आप दूसरे फंड्स का पोर्टफोलियो कंपेयर करोगे, जैसे इक्विटी फंड हो गया या मिड कैप फंड हो गया या डाइवर्सिफाई फंड हो गया, तो अगर आप वो फंड्स के अगर आप होल्डिंग निकालोगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। देर आर 100 या 50 या 200 टाइप, 200 भी हो सकते हैं स्टॉक, पर यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत ही कम स्टॉक्स दोनों फंड ने अलोकेट कर रखे हैं। तो अगर समझो एज ए इंडिविजुअल आपको सिर्फ 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है हर महीने हो गया, या आपके पास एक 10,000 रुपया अभी लमसम पड़ा है जो आपको 10 साल के या 5 साल के लिए ये ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने देखोगे तो आप फिर या तो सन फार्मा खरीद सकोगे, या तो डॉक्टर रेड्डी खरीद सकोगे, या तो सिप्ला। अगर आप दोनों भी खरीदने जाओगे तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मिलेगी। तो उससे बेटर है कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए
जो सारे फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक रिलायंस फार्मा फंड, एक दूसरा है SBI फार्मा फंड। अगर हम ये फंड्स को, अगर इसकी NAV हम लोग अगर कंपेयर करते हैं, तो देखिए ये जो ग्रीन वाली लाइन है दैट इज़ फॉर रिलायंस फार्मा फंड, और ये ब्लू वाली लाइन है वो है SBI फार्मा फंड की लाइन। तो अगर आप देखोगे तो 2009 तक SBI अच्छा परफॉर्म कर रहा था कंपेयर टू रिलायंस, और 2009 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि रिलायंस ने उसे बहुत ही आउट परफॉर्म कर दिया है। अभी SBI उसको बीट भी नहीं कर सक रहा है, और अभी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है जिसको रिलायंस अच्छे से बीट कर रहा है। तो ये तो सिर्फ अभी तक का परफॉर्मेंस है, मैं ये नहीं बता सकता कि आगे भी रिलायंस ही परफॉर्म करेगा या SBI करेगा। ये सिर्फ हम लोग एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि कौन से फंड ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल जो अजम्पशन निकल रहा है उससे हमें रिलायंस फार्मा फंड है जो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद अगर हम दोनों फंड की कंपैरिजन करेंगे इन ओवरऑल रिटर्न वाइज और एक्सपेंस वाइज, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है रिलायंस फार्मा फंड का, ये 2.42 है, दिस इज़ इन परसेंटेज बेस। और ये जो SBI का है वो 2.6 है। इसका एग्जिट लोड 1% है, इसका एग्जिट लोड 0.5% है। इसका दोनों में लॉक इन पीरियड नहीं है, दिस इज़ ओपन एंडेड फंड। जो ये फंड ओपन हुआ था मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में भी बताया, 2004 में ये स्टार्ट हुआ था और ये 1999 में शुरू हुआ था। दोनों में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5,000, दोनों का बेंचमार्क सेम ही है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, कभी भी देखिए आप है ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो तो डोंट कंपेयर द रिटर्न्स कि कौन से फ़ंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, और हम वो फ़ंड में ही इन्वेस्ट करेंगे जो फ़ंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक जो फ़ंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है वो शायद आने वाले समय में ना दे रिटर्न दे, और वो फ़ंड आगे आ जाए जो पहले रिटर्न नहीं दे रहा था। बट ये अगर चार्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये देखिए 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और ये 15 ईयर, तो सारे साल में रिलायंस ने ही हर बार ये कंपैरिजन में रिलायंस ही इसके आगे निकला है SBI के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर एक व्यू है कि रिलायंस हमेशा आउट परफॉर्म करता है कंपेयर टू SBI हेल्थ। तो हमने यहाँ देखा है कि रिलायंस फार्मा फंड ने ही हमेशा SBI हेल्थ केयर फंड को बीट किया है। आने वाले 5 से 10 सालों के लिए मैं रिलायंस फार्मा फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करने के बाद। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ये काम आए। और अगर आपको हेजल फ्री इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ से एंजल बी के ऐप थ्रू आप पेपरलेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और भी कोई अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सिलेक्ट सजेशन दीजिए, हम लोग आने वाले टाइम में वो टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।